हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 138 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर 3 इनटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 22% ऑफ 600 डिवाइडेड 10। तो इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 138 है, उसको डिवाइड किया गया टू दी पावर 3। टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 को मतलब 3 बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 हुआ। 4 इंटू 2 8, तो बेसिकली 8 आ जाएगा टू दी पावर 3। तो 138 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ गया हमारे पास 17.25। और इसके साथ में मल्टीप्लाई किया है क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें पता करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी दोस्तों। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है ये? 22% ऑफ 600 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हमें 600 का 10% नहीं निकालना, पहले हमें 600 को डिवाइड करना है 10 से। तो 600 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। अभी ये जो 60 आया है, इसका हमें 10% इसका हमें 22% निकालना है। तो 60 का अगर हम 22% निकालेंगे इंटू 22 और परसेंट डिवाइडेड बाय 100, तो आप देख सकते हो 13.2 आ गया। ये आ गया दोस्तों राइट हैंड साइड का 13.2। और लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑलरेडी निकाला था 17.25, और उसके साथ में था ये क्वेश्चन मार्क जिसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? ये जो 17.25 है, ये दूसरी साइड चला जाएगा और नीचे चला जाएगा किसके? 13.2 के, जो हमारा राइट हैंड साइड में 13.2 आया, उसके नीचे चला जाएगा। 13.2 आया, इसके नीचे चला जाएगा 17.25। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 0.7652174। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।